मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। ह्यूमन राइट्स की स्थिति पर नजर रखने वाले इंटरनेशनल एजेंसी ह्यूमन राइट वॉच ने अपने रिपोर्ट में पाकिस्तान को बेनकाब किया। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में पुलिस मनमानी, गिरफ्तारी, प्रताड़ना, न्यायतर हत्याएं और यौन हिंसा आदि के जरिए व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस बल के भ्रष्ट अधिकारियों के कारण धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति विशेष रूप से संवेदनशील है। 102 पन्नों की रिपोर्ट में ह्यूमन राइट वॉच ने जो फैक्ट शामिल किए उनमें बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब प्रांतों में पुलिस द्वारा उत्पीड़न के शिकार हुए लोगों एवं गवाहों के अलावा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के इंटरव्यू पर आधारित है। रिपोर्ट में साल 2015 के दौरान पुलिस की ओर से कथित रूप से 2000 से ज्यादा फर्जी मुठभेड़ों का ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट में देश के पुलिस तंत्र में तत्काल व्यापक बदलाव की मांग की गई है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन को बढ़ावा देती है। रिपोर्ट के अनुसार अपराध से जुड़े मामलों के अनुसंधान में पुलिस नियमित रूप से प्रताड़ना का सहारा लेती है। NMF News की रिपोर्ट।